नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ करंट अवेलेबल टिकट और नॉर्मल टिकट बुकिंग में क्या अंतर होता है। जब भी आप दोस्तों नॉर्मल टिकट बुक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे दोस्तों आपको सीटें खाली दिखती हैं, तो आप वहाँ पर नॉर्मली जाकर टिकट को बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो करंट अवेलेबल टिकट होता है वो आपको ज्यादातर खाली देखने को नहीं मिलता है। करंट अवेलेबल टिकट जो है दोस्तों, आपको आपकी ट्रेन निकलने के 4 घंटे पहले, मतलब कि दोस्तों चार्ट बनने के बाद अगर ट्रेन में सीट खाली रह जाती है तब दोस्तों वह करंट अवेलेबल कहलाता है। मतलब कि आपके स्टेशन से ट्रेन निकलने के पहले तक आपको कंफर्म टिकट मिल जाता है। इसमें दोस्तों अंतर बेसिकली क्या होता है कि जो करंट अवेलेबल टिकट होता है और जो नॉर्मल बुकिंग का टिकट होता है उसमें दोस्तों किराए में भी अंतर होता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि करंट अवेलेबल टिकट और नॉर्मल टिकट बुकिंग में किराए में कितना अंतर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक टिकट बुक किया था जो कि दोस्तों भोपाल जंक्शन से सूरत तक का टिकट था। दोस्तों 2 टिकट बुक किया गया था, जिसमें दोस्तों एक टिकट नॉर्मल बुकिंग के अंतर्गत बुक किया गया था 3rd AC में, और दोस्तों दूसरा जो टिकट था वह करंट अवेलेबल में बुक किया गया था। और उनके किराए में क्या अंतर आता है चलिए दोस्तों देख लेते हैं, क्योंकि वो दोनों दोस्तों टिकट मेरे पास है। तो यहाँ पे मैं मेरे मोबाइल में रखा हूँ, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मेरा एक टिकट बुक किया गया था, जो कि यह दोस्तों टिकट था 21 सितंबर का था। यहाँ पे दोस्तों आप ट्रेन नंबर देख सकते हैं और 21 सितंबर का टिकट है, और यह नॉर्मल टिकट बुकिंग का किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका फेयर हम देखते हैं, टोटल फेयर पे मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे टोटल फेयर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस टिकट का टोटल फेयर जो लगा है 1095.40 रुपये इस टिकट का लगा है। यह दोस्तों नॉर्मल टिकट बुकिंग में 3rd AC का बुक किया गया टिकट था। अब मैं इसी का जो है दूसरा जो टिकट था मैं उसका करंट अवेलेबल का आपको दिखा देता हूँ फेयर कितना लगा है। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा टिकट भी आप देख रहे होंगे जो कि दोस्तों 21 सितंबर का है, और यह टिकट जो है दोस्तों करंट अवेलेबल में बुक किया गया है। तो इसका जो फेयर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टोटल फेयर 983.95 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो कि दोनों टिकट बुक किया गया है लेकिन करंट अवेलेबल का कितना कम पैसा दिखा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, इसको माइनस करता हूँ जो दोस्तों रेगुलर टिकट बुक किया गया था उसके फेयर के मुताबिक, और दोस्तों जो करंट अवेलेबल में टिकट बुक किया गया था उसका फेयर को अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों 111.45 रुपये जो है कम लगा है। तो इससे दोस्तों अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आपका करंट अवेलेबल में टिकट बुक होता है वह आपका सस्ते में ही बुक होगा, चाहे वह टिकट दोस्तों स्लीपर का हो, चाहे 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, किसी भी क्लास का टिकट हो दोस्तों वह आपका सस्ता ही बुक होगा। हो सकता है दोस्तों यहाँ पे 111 रुपये AC 3rd AC का था तो कम बुक हुआ हो, हो सकता है आप 2nd AC में अगर आप बुक करेंगे तो वहाँ पे दोस्तों और भी कम पैसे लग सकते हैं। मतलब दोस्तों कहने का मतलब यह है दोस्तों कि और भी ज़्यादा पैसे का भी छूट आपको मिल सकता है। और दोस्तों करंट अवेलेबल टिकट क्या होता है और आपको कब मिलता है, कैसे मिलता है, वो सारी डिटेल में दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है करंट अवेलेबल टिकट के बारे में, डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वह वीडियो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही नॉलेजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।